अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहजान है और आपको देखकर खुशी होगी कि प्रेडिक्शंस किस तरीके से मेरी वर्क करती हैं और टारगेट हिट होता है। तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैं इसलिए बनाता हूँ, पहले ही बना के रख देता हूँ कि ये देखें, ये टारगेट मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये यहाँ पर जाएगा, और दूसरे दिन फिर जब वीडियो दिखाता हूँ तो उसमें ये देखें एग्जैक्ट उसी जगह पर टारगेट। ये देखें, मैंने एरो दिया था कि ऊपर जाएगा, ये ऊपर चली जाती हैं चीज़ें, ट्रेंड लाइन, सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं, ये जगन्नाथ दूरा की वीडियो, बिड नोट, सारी चीज़ें। तो इस पे लाइक और शेयर आप जितना करेंगे तो उतना ही मुझे खुशी होगी वीडियोस बनाने के लिए और चीज़ें समझाने के लिए आपको। तो लाइक और शेयर पे बटन दबा दें जाकर। तो मैं फिर मज़े मज़े की ट्रेडिंग भी कराऊंगा आपको। लाइक और शेयर जितना करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपको ट्रेडिंग कराऊंगा लाइव बैठ के। तो आप प्यार दिखाएंगे तो मैं भी दिखाऊंगा, सिग्नल दूंगा फ्री। तो अच्छा, बिट नोट की क्या कंडीशन चल रही है, कोई ट्रेड्स देखते हैं, पहले तो मार्केट देखते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन करेगा, और ये टारगेट मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया था कि यहाँ तक जाएगा। जब ये आई थिंक इधर था, 29,900 पे था, तो मैंने बता दिया था कि 30,000, ये मैंने मार्क कर दिया था, ब्लॉक बना दिया था 30,451 पे, देखा। और यहाँ से मैंने फिर दूसरी बताया था कंसोलिडेशन करेगा दोबारा, ये थी वही कंसोलिडेशन हो रही है। ये ब्लॉक मैंने वही आगे कर दिया जो प्रीवियस बना हुआ था, ये देख। अब एक इसका नीचे ही ब्लॉक बन रहा है, ये हाँ इस लेवल पे बना देता हूँ मैं भी आपके सामने इसका ब्लॉक एक, ठीक है। ये इसका ब्लॉक बन रहा है और इसको मैं आगे कर देता हूँ ताकि ये टारगेट भी आपको मैं दिखा दूँ साथ ही साथ, क्योंकि अब ये गिरेगा तो अपनी सपोर्ट अगर इसने ब्रेक की, रिटेस्ट करके और दोबारा ये नीचे होगा इस एरिया, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर इसने इसी सपोर्ट को स्टेबल कर दिया 4 आवर में, 1 आवर में, तो इसका टारगेट नेक्स्ट हमारा ये होगा ऊपर का। अब इसकी सपोर्ट देखनी है हमें, इसकी अगर सपोर्ट आ गई, सपोर्ट इसने ब्रेक नहीं की तो ये ऊपर, सपोर्ट ब्रेक की तो ये दूसरा टारगेट। मैंने दोनों आपको सेट करके दिखा दिए इसके। अभी हमें 4 आवर की कैंडल देखनी है इसकी, ये देखें कितनी लंबी भी गए, मतलब सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बायर्स स्ट्रांग बैठे हैं, उन्होंने ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होने दी। ये देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम मैंने खोल दिया अभी, और आपको विक दिखा रहा हूँ मैं कितनी बड़ी मारी है, 30,400 से और 30,200 तक, मतलब इतनी बड़ी इन्होंने विक मारी है और सपोर्ट नहीं ब्रेक होने दी। अब हो सकता है ये सपोर्ट ऊपर की तरफ चले जाए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा है, अभी कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट्स भी बंद पड़ी हैं, क्योंकि आज संडे है तो मार्केट्स ऑफ हैं, इस वजह से सेलिंग ज़्यादा प्रेशर हो सकता है और ये ब्रेक करके ये इस लेवल को आएगा 30,114, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो ऑफ पड़ी हैं, स्टॉक मार्केट हो, कोई सी मार्केट हो, संडे है आज, इस वजह से। तो अब थोड़ा कोई कॉइन देखते हैं यहाँ से कि अच्छा, एक बहुत अच्छी एक ट्रेड बन रही है इसको देख के, और वो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं यूनी के, यूनी की एक शॉर्ट की पोजीशन लग रही है, यूनी का आ गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ मैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया मैंने, वो देख लेते हैं अभी। ये देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखें रेड कैंडल बनी थी, क्योंकि मैंने यहाँ से देख लिए थे उसके कोऑर्डिनेट्स, और यूनी की 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोला, और ये देखें यूनी लिखा हुआ, यूनी, और इसकी एक शॉर्ट की पोजीशन लग रही थी, ठीक है। इसका टाइमर क्यों नहीं आ रहा, चलें बाद में देखते हैं। तो मार्केट्स आज ऑफ है, तो इस वजह से इसमें बहुत कम वॉल्यूम है आज, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा चीज़ों को, और बहुत कम है बिल्कुल, इसमें कॉइन्स में ना पैसा बहुत कम जा रहा है, शायद ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा जगन्नाथ उरा को, प्लेनेट
तरफ से आ रहा है, सही है। और इसकी जो ये, इसको बोलते हैं काला चक्रा, यहाँ से देख के हम चीज़ें प्लैनेट्स की तो इसको समझते हैं। अच्छा सही, बिट नोड को देखते हैं फिर। ट्रांजेक्शन 74 गए, ठीक है। बाकी यहाँ से हम देख के, यूनी गई मैंने देखा था, शॉर्ट बन रहा था, तो अब देखते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप, फिर रेड कैंडल, क्योंकि मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट्स देख लिए थे यूनी के, कि ये शॉर्ट आएगा। ये देखें दोबारा ये कैंडल फॉर्म हुई और ये शॉर्ट। तो बताने का मकसद यही है कि अब एक और देख लेते हैं, एस एन एक्स का भी एक शॉर्ट बन रहा है, एस एन एक्स को देख लेते हैं चल के। देखें कैसे गिर रहा है, यूनी है ये। एस एन एक्स को देख लेते हैं, एस एन एक्स कहाँ पर है, ये देखें, ये भी गिर रहा है। देखा अभी ये रेड कैंडल बनी थी, देखें ना रेड कैंडल अभी अभी फॉर्म हुई थी ये देख। और ये है एस एन एक्स का शॉर्ट। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स जो है ना, आज क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत कम है मार्केट में, वॉल्यूम भी नहीं है, तो चीज़ों को देखना पड़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम है ही नहीं मार्केट में। जब तक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि फिर वो स्टक ही रहेगा एक जगह। ये देखें अब ये दूसरी कैंडल फॉर्म हुई है लेकिन स्टक हुई हुई है, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट के अंदर। बताने का मकसद ये, यहाँ से आप देख के कॉइन्स को पिक करते हैं, कौन से शॉर्ट करने हैं, कौन से लॉन्ग करने हैं, सिर्फ इन चीज़ों को देख के, ठीक है। बाकी मैं डिटेल वीडियोस की बाद में बनाऊंगा, जब आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे मेरे कंटेंट को, कि जगन्नाथ हो रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक का लिंक है, वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपको। ये देखें अब मैं आपको यहाँ जाके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए फॉर ज्वाइनिंग प्रीमियम ग्रुप, आप इस पे जाके मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट कर सकते हैं फेसबुक पे जाके, वहाँ पर फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। बाकी ये देखें कितना लंबा गया है एस एन एक्स का शॉर्ट, वहाँ से देखते ही भी मैंने आपको बताया था एस एन एक्स जाएगा यहाँ से, थोड़ा सा वॉल्यूम आया, और ये देखें कैसे टकाक नीचे, देख रहे हो। ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू।